सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश की नंबर वन न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। आम आदमी पार्टी की सीनियर नेता सरबजीत कौर माणू के कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हक चाहे ने। इस मौके उन्होंने वालों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते तिखे निशाने साधे गए। उन्होंने सवालों च भी घेरिया गया। तुसी भी सुनो की कहा सरबजीत कौर माणूके ने। मैं कहना चाहनी हाँ भी असं 3 साल तो कैप्टन साहब नूं रौला पाउंदे हुंदे सी भी तुहाडा जिहड़ा प्रशासन आ उह तुहाडे मंत्री मंडल ते विभाग आ, हुण तुसीं अपने प्रशासन दे हत्थां तों मजबूर आ। पर कैप्टन साहब नूं हमेशा ही इह लैंदा हुंदा सी, उह दूसरियां पार्टियां दी फुट च ज़्यादा स्वाद लैंदे सी, अपनी पार्टी देखणा भुल गए। ज समय समय से इन्हां ने MLAs ने इन्हां दे विरुद्ध आवाज़ उठाई, किसी ने स्टेज तो भरी स्टेज तो करके कहा भी चिट्टा नहीं खत्म कर पा रहे तुसीं, किसी ने कहा भी थोड़ा SHO नहीं सुनते, किसी ने कहा थोड़ा प्रशासन नहीं सुनता। हुण समस्या ये कांग्रेस कहने हुंदी सी, कांग्रेस सरकार कहनी सी कैप्टन साहब भी आम आदमी पार्टी वाले तो लड़ते बहुत आ, इन्हां तो बोलना ही नहीं चाहिए, इन्हां का नैतिकता के आधार से इस्तीफा देना चाहिए। हुण मैं कैप्टन साहब तो पुछदी हाँ भी चलो तुसीं हुण दसो भी तुहाडी फुट डूंगी खाई बन के समझ आ सामने आ गई, हुण तुसीं दसो कि नैतिकता के आधार से इस्तीफा दोगे। रही गल चरणजीत चन्नी जी की, कैप्टन सरकार का एक चेहरा नंगा हो गया कि कांग्रेस सरकार हमेशा दलित विरोधी सरकार रही है। ना तो इन्होंने चाहे वह पोस्ट मैट्रिक कॉलेज हो, चाहे राशन की वंड हो, चाहे नीले पीले कार्ड की कटन की गल हो, हूँ मंत्री मंडल के एक मंत्री बनता मान सत्कार देने की गल हो, चेहरा नंगा हो गया कैप्टन सरकार का। कैप्टन साहब वास्ते परख नहीं करी है तो देखते हैं हम कैप्टन साहब एक अपने किड़े भाईचारे के रख संबंध रखने वाले कि दलित भाईचारे के संबंध रखने वाले मंत्री के नाल करेंगे या झूठिया धमकियां देने वाले मंत्री। मैडम एक कल एक सुन च आया सी विच एक विधायक कह रहा कि असीं थोड़े पोतड़े खलोलांगे, इहदे बारे की कहना चाहोगे? देखो जी पोतड़े तो इन्होंने पहले ही खुल चुके, फरोल चुके लोग, समय समय से इन्होंने मंत्रियों के इल्जाम लगते आए हैं। कैप्टन साहब बिना किसी अधिकारी जांच तो ना ही कहने साड़ी क्लीन चिट है जी इस चीज़ से। कैप्टन साहब को पूछा होवे भी तुसी जिहड़े पहला मंत्री से तुहाडे ते इल्जाम लग्या सी 92 तो लैके केस, तुसी उत्ते कुछ नहीं बोले, फिर घोटालियां दा जांच लग्या उत्ते कुछ नहीं बोले, फिर तुहाडा नवजोत सिंह सिद्धू बोलिया भी शराब माफिए ते करोड़ों का घोटाला होया होया उहदे ते कोई जांच कर लो, तुसी सिद्धू साइड ते लाता। कैप्टन साहब पता नहीं क्यों नहीं बोलते, पोतले फुलन की तो एक दूजे को धमकी है, जिते कैप्टन साहब ने पहले दिन विधानसभा के विच कहा। सवेरा टाइम्स ले जगराऊं तो दविंदर जैन की रिपोर्ट।